देखिए अब यूनिट को हम क्या लिखेंगे, जैसे उदाहरण अभी क्या हो गया उदाहरण, अब उदाहरण में हम समझते हैं क्या समझेंगे उदाहरण, ठीक है सर। उदाहरण में अब यूनिट या इकाई लिखेंगे, क्या हो गया वन, क्या है वन, क्या है इकाई, क्या लिखेंगे क्या वन पर एक वन हो गया यूनिट, एट या दहाई क्या हो गया वन पर एक इस प्रकार से हम उदाहरण करेंगे, ठीक है। अब अगर हम आपको कोई संख्या कहते हैं तो संख्या को इस पर बैठाएंगे, जैसे मान लीजिए हम 513 कर देते हैं, ऐसे लिखेंगे 513, इस पर बैठ गया तीन हो गया इकाई, एक हो गया दहाई, पांच हो गया सैकड़ा, 6000 अगर कहेंगे 6712 ऐसे बैठाएंगे ना, ठीक है समझ गए। 50000 कहेंगे तो ये आ जाएगा 50000, इस पर तीन में जीरो आ जाएगा। इस प्रकार से आप संख्या लिख सकते हैं, बताइए।